तो जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? तो अगर मान लो जिसको जनरल कॉन्फिगरेशन नहीं मालूम है क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद कॉन्फिगरेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल सिखाने के पहले वो सब चीजें अभी सिखा रहा हूं। इसका जनरल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा NH2, जहां N बिलोंग करेगा 2 2 7। अब ये क्या होता है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसको हम अल्कलाइन अर्थमेटल क्यों बोलते हैं? तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, यानी ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो इट फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, इट फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये अर्थ क्रस्ट मिलता है एंड ऑल्सो फाइंड ऑन अर्थ क्रस्ट, इसीलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इट इज फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, दैट्स वाई इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्थ पॉइंट कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? तो वही बात, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन इंथेल्पी कम हो जाएगा और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो ये सब बात हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर विल बी इंक्रीज। ठीक है। और रेडियम, रेडियम जो होता है क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं? जिसमें कि अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होता है, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिव। तो रेडियो, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, लिख लिए होंगे। तो अल्कलाइन के बाद हम डायरेक्ट आते हैं, ये एस ब्लॉक हो गया, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। अल्कलाइन के बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं पी ब्लॉक पे। अच्छा, इसमें एस ब्लॉक में एक पॉइंट और भी लिख लेना कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस ऑर्बिटल, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल्स क्या होता है ये सब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेट फॉर सम टाइम। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू एस ऑर्बिटल, कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में
आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, तो अगर जिसको कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है वो सही है, क्योंकि नाइन्थ में हमने सिखाया था कॉन्फ़िगरेशन, नहीं आता है तो अभी आगे हम सिखाएंगे। तो देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंट्री मारा है, इसीलिए हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो अगर हम बात करें पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक होता है। अगर हम रोमन में लिखें तो थर्ड ए 4A, 5A, ठीक है इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, थर्ड ए जिसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली इसका हमने नाम लिखवा दिया था। अगर हम 4A के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। अगर हम फिफ्थ ए के बारे में बात करें हम बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली जिसको हम पिनकोजेन के नाम से जानते हैं, पिनकोजेन। अब तुम मुझे बताओ व्हाई इट इज कॉल्ड पिनकोजेन। सिक्स ए को बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम बोलते हैं चालकोजेन। ठीक है, अगर हम 7A के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन फैमिली। और अगर हम 8A बोले या हम 0 भी बोलते हैं, 0 ग्रुप, तो हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो लिख के भेजे, इट हैज पंजेंट स्मेल, एक ने भेजा है चालकोजेन। व्हाई इट इज कॉल्ड पिनकोजेन, तो इसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है। तो लिख लेना ड्यू टू पंजेंट स्मेल, ड्यू टू पंजेंट स्मेल, ड्यू टू पंजेंट स्मेल इट इज कॉल्ड पिनकोजेन। ड्यू टू पंजेंट स्मेल इट इज कॉल्ड पिनकोजेन। शॉकिंग। अब मुझे बताओ किसको चालकोजेन क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड चालकोजेन। कोई बताओ व्हाई इट इज कॉल्ड चालकोजेन। तो इस ग्रुप में, ये सब लैटिन वर्ड है, इस ग्रुप में जैसे ऑक्सीजन वगैरह है वो मिनरल्स के साथ जो ओर होते हैं वो ओर के साथ कंबाइंड होते हैं, और जब ओर के साथ कंबाइंड होते हैं या मिनरल के साथ जो कंबाइंड होते हैं तो उसी के नाम पे पड़ा हुआ चालकोजेन, यानी इट कंबाइंड विथ, इट कंबाइंड विथ मिनरल्स। जैसे सुने होंगे जिंक सल्फाइड ओर है,
ZnS, उसमें सल्फर जुड़ा रहता है। कार्बोनेट ओर में ऑक्सीजन CO2 वगैरह जुड़ा रहता है। अब इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता है, इनर्ट होता है, नॉट ए रिएक्टिव, नॉट ए रिएक्टिव, नॉट ए रिएक्टिव, इसीलिए हम इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। अब मुझे कोई ये बताओ कि इसको जीरो ग्रुप क्यों बोला गया है, व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, व्हाई इट इज को, अच्छा इनका नाम नहीं है, ये कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है। एक आंसर भेजा जिक्सा ने, करेक्ट है, हाँ निकेत ने, बिल्कुल करेक्ट है। इसका वैलेंसी यानी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नहीं अगर ये रिएक्शन नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट गैस, बट व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हीलियम का छोड़ दो, अगर तुम नियॉन आर्गन को देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नियॉन का अगर देखोगे तो इसका 2 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है। अब ऑक्टेट क्या है जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी 0 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। इसका वैलेंसी 0 है, इसीलिए हम इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि बोरॉन को ग्रुप 13 को थर्ड ए का नाम क्यों दिया जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड थर्ड ए, रोमन में थर्ड ए कैसे लिखा जाता है, थर्ड ए कैसे लिखा जाता है। तो देखो ये जो रोमन में लिखा जाता है वो वैलेंसी के ऊपर लिखा जाता है, और मान लो बोरॉन ही है तो बोरॉन में मान लो एक तो कॉन्फिगरेशन जानते होगे तुम लोग 2 और 3 वाला, इसका जो वैलेंसी 3 होता है, मतलब आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसीलिए हम थर्ड लिखते हैं। अच्छा अगर ओ एलिमेंट एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो हम ए लिखेंगे, और डी से बिलोंग करेगा तो बी लिखेंगे, तो इसीलिए हम ए लिखते हैं, ये इंडिकेट किया गया है। अब जैसे अल्कली मेटल को फर्स्ट ए लिखते हैं, उसका रीजन ये है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए फर्स्ट ए। अल्कलाइन अर्थ मेटल को सेकेंड ए क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, इसलिए सेकेंड ए लिखेंगे। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और डी ब्लॉक के अगर एलिमेंट है तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन फैमिली अगर तुम देखोगे कार्बन का वैलेंस निकाल के, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, दैट्स व्हाई हम रोमन में 4 लिखेंगे, और दिस फैमिली बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट इज वी राइट ए यानी 4A। क्लियर। उसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली का, तो हम इसको 5A लिखते हैं। तो अगर मैं केवल एक ही एग्जांपल लू नाइट्रोजन का, तो तुम वैलेंसी निकालते हो तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका पांच है, इसीलिए फाइव लिखेंगे, और ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है इसीलिए ए लिखेंगे। मैं केवल एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स है इसीलिए हम इसको सिक्स ए लिखेंगे। हैलोजन फैमिली फ्लोरीन, टू और सेवन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है इसलिए हम इसको सेवन ए लिखेंगे। इनर्ट गैस जैसे हम नियोन लेते हैं हीलियम को छोड़ के, इनर्ट गैस टू और एट होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट है इसीलिए हम रोमन में एट ए लिखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ओर के साथ अटैच होता है, मतलब वो कंबाइंड स्टेट में होता है। ओर बोले तो मिनरल्स जैसे जिंक सल्फाइड, जेडएनएस, पीबीओ, तो उनके साथ उनका अटैचमेंट होता है, कंबाइंड होता है, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा हुआ चालकोजेन। चालको और जेन लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये रोमन में लिखने आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री है तो थर्ड ए का वैलेंसी कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री है तो वैलेंसी कितना होगा? और मैं तुम्हें बता दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वो तो सिंपल सा है कि जितना आउटर सेल में रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अगर इस फैमिली का मैं अल्मोनियम का लूं तो 2, 8, 3, ये तो कॉन्फ़िगरेशन निकालते होंगे। तो आउटर सेल में 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, लेकिन वैलेंसी हम किसको बोलेंगे? तो वैलेंसी बोलेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। अब ऑक्टेट क्यों? तो ऑक्टेट में स्टेबिलिटी आती है, उसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से बात करेंगे। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा दिमाग में भी आकर 5 गेन भी कर सकता है, लेकिन ये 3 लूज करना उसको आसान होगा। जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेंगे तो बताएंगे ये 3 लूज करना आसान होगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 3 होता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर लूज तो नहीं होता, शेयरिंग में आता है, तो यहां पर वैलेंसी 4 हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जब यहां से शेयर में जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके लूज करने की बारी आई तो इसका वैलेंसी अब ये 5 है तो 3 और गेन कर लेगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट मतलब 8। इसका वैलेंसी अगर ये 2 गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर इसका 1 गेन कर लेगा तो लूज या गेन, तो ये 1 गेन कर लेगा तो इसका वैलेंसी 1 होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये वैलेंसी इसका 0 होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। Which group of S and P block, which group of S and P block, which group of S and P block having
सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी एक साथ आंसर देना. व्हिच ग्रुप ऑफ एस एंड पी ब्लॉक हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी यानी एस ब्लॉक का कौन सा ऐसा ग्रुप है अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा भी आंसर दे सकते हो. तो जिक्सा का आंसर आया 1 to 13, 14. आदित्य का आया फर्स्ट. केवल फर्स्ट है. और नौ 1 to 13, 14. और नौ गोस्वामी है क्या? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट ए का आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक होगा और वैलेंसी अगर तुम सोडियम का निकालोगे तो 2-8-1 होता है. ये एक लूज करता है वैलेंसी 1 होगा. अगर हम सेकेंड ए के बारे में बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा और वैलेंसी भी 2 होगा क्योंकि ये अगर हम Mg का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. तो किस किस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम है? तो 1 का 2 का 13 का 14 का इसका वो आंसर हो जाएगा 1, 2, 13, 14. रोमन में लिखना चाहते फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए एंड फोर ए. ठीक है. तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें रोमन में लिखने में कोई डाउट है? रोमन में वैलेंस के साथ लिखा जाता है. ए कहां लगाया जाएगा? एस और पी में ए लगाया जाएगा और डी में बी लगाया जाएगा. अभी डी आएगा तो आगे बात करेंगे हम. वैलेंस और वैलेंसी जानने में कोई डाउट नहीं है, है? चालकोजेन पिनकोजेन जीरो ग्रुप. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखना कि जो एस ब्लॉक होता है, अभी समझ लो पहले, एस ब्लॉक जो होता है उसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम सारे एलिमेंट को हम नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं. तो बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज नोन एज नॉर्मल एलिमेंट, डी ब्लॉक को नहीं इंक्लूड किया जाता है. एक पॉइंट डाल के लिखना, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज नोन एज नॉर्मल एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस. इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है. नॉर्मल एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस. अब बात रहा कि इनर्ट गैस को हम क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाई इनर्ट गैस इज नॉट. तो ध्यान देना, थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है. नॉर्मल एलिमेंट यही पूछा जा रहा है कि नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट. तो नॉर्मल एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला सबसेल होता है, यानी पार्शियल फिलअप ऑफ
एस एंड टी ऑर्बिटल, पार्शियल फिलअप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। पार्शियल फिलअप का मतलब क्या हुआ, ये सोडियम है 1s2 2s2, जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है घबराने की बात नहीं, हम आगे सिखाएंगे, जिसको आता है जब कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा अपने आप समझ जाओगे। तो नाइन्थ में अलग सिखाया था मैंने, फिर सिखाऊंगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, एस में दो आना चाहिए था लेकिन है एक ही, इसको हम पार्शियल बोलेंगे, ठीक है। अब हम नियॉन का लिखे तो 1s2 2s2 2p6 होता है। अब ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि ये जितना इसको p को 6 चाहिए मैक्सिमम 6 भरा हुआ है, इसको हम कंप्लीट फिलअप बोलेंगे और इसको हम पार्शियल फिलअप बोलेंगे। तो अब यही से हमारा दोनों आंसर मिल जाना चाहिए, वाई व्हाट इज नॉर्मल एलिमेंट। तो नॉर्मल एलिमेंट में पार्शियल फिलअप होता है एस या एस एंड पी ऑर्बिटल। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया, इनर्ट गैस को क्यों हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस में फुल्ली फिल्ड होता है, इसको हम बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब यह हुआ उसको जितना रिक्वायर्ड था उतना उसको मिला है। क्या यह बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हुआ नॉर्मल एलिमेंट है।